पीस ब्लेसिंग्स ऑन यू ऑल. लेट्स सिट कंफर्टेबली, लेट्स रिलैक्स आवर बॉडीज, लेट्स डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड अस. Let's breathe in happiness. And breathe out all the fears, tamam dar, tamam pareshaniya, tamam uljhane, aur wo tamam dard जो अरसे से अपने दिल में लिए बैठे हैं. हर बाहर निकलने वाली सांस के साथ उसको बाहर निकालिए. हमें, हमारी दुनिया के लोग, हमारे हालात और हमारी जिंदगी में मौजूद चीजें तकलीफ नहीं देती. लोगों की कही बातें हमारी तकलीफ, दुख और दर्द का बायस नहीं होती. बस वो जो कहते हैं या वो जो करते हैं वो वही होते हैं. वो बस वही कर सकते हैं. उनके वो सब कहने और करने के बाद जो सोचें, जो ख्याल हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं, बस वही हमें खुशी या तकलीफ देता है. लोगों के कुछ कहने और करने के बाद हम जो सोचते हैं, हम जो अपने जहन में क्रिएट करते हैं, उसी से हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती है. उसी से हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं. उसी से हम जो फील करते हैं वही रेडिएट करते हैं. और उसी की वजह से हमारे घर का माहौल अच्छा या बुरा हो जाता है. अब हमें ये फैसला करना है कि हमें अपनी जिंदगी में लोगों के कहे हुए अल्फाज, लोगों की हुई गलत गुफ्तगु, नेगेटिव बातें अपनी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज करनी है. उनको इग्नोर करके, उन पे तरस खा के, उनके बारे में कंपैशनेट फील करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं. तो आइए आज हम मेडिटेशन करेंगे ताकि हमारे तमाम रिश्तों में, हमसे जुड़े तमाम लोगों के बीच जो हमारा रिश्ता है, उसमें हार्मनी पैदा हो सके. रिश्तों में हार्मनी पैदा करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा सीक्रेट है. और वो सीक्रेट ये है कि हम वो जिनसे बहुत प्यार करते हैं, वो जिनसे बहुत मोहब्बत, जिनकी बहुत इज्जत करते हैं और जिनके बगैर हमें हमारी जिंदगी नामुकम्मल रखती है, हम उनसे हार मान लें. हम एक दूसरे से जीतने के चक्कर में अपने रिश्तों की हार्मनी को खत्म कर देते हैं. तो अगर आज हमें अपनी जिंदगी में हार्मनी चाहिए, रिश्तों में हार्मनी चाहिए, तो हमें हार मान लेनी चाहिए. लोगों को जीता कर,
रिश्तों में जीत जाना चाहिए। मैं अपने तमाम रिश्तों से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मुझे मेरा कोई रिश्ता तकलीफ नहीं देता। मैं हर किसी को अंडरस्टैंड करती हूँ। मुझे अपने रिश्तों में किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं ऐसी रूह हूँ जो हर किसी को बांटना चाहती है। मैं लोगों में खुशियाँ बांटना चाहती हूँ। मैं लोगों में सुकून बांटना चाहती हूँ। मैं लोगों में अपने रिश्तों में आसानियाँ बांटना चाहती हूँ। मैं उनको अपना वक्त देना चाहती हूँ। मैं उनके किए हुए हर काम को एक्नॉलेज करती हूँ। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, हौसला अफजाई करती हूँ। चाहे वो रिश्ता मेरा मेरे बच्चों के साथ हो या बुजुर्गों के साथ हो, मैं इस बात पे फोकस नहीं करती कि मुझे किसी से क्या चाहिए। मैं इस बात पे फोकस करती हूँ कि मुझे किस किस को क्या क्या तकसीम करना है, क्या क्या बांटना है, कंट्रीब्यूट करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। हमेशा इस ज़माने में और अल्लाह की नज़र में इज़्ज़तदार होते हैं। मैं इज़्ज़तदार बनना चाहती हूँ। मुझे फ़कीरी की ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे फ़कीर बन के ज़िंदा नहीं रहना, बल्कि मुझे अमीर बन के ज़िंदा रहना है। I am very rich. I have everything in abundance. मेरे पास इस कदर है कि मैं बस बांटने वाली रूह हूँ, तकसीम करने वाली रूह हूँ। जब मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ लोगों में खुशियाँ बांटती हूँ, लोगों की हुई बातों को दरगुजर करती हूँ, लोगों को मोहब्बत देती हूँ, शिकायत की बजाय लोगों की ज़िंदगी में आसानी बांटती हूँ, तो हर इंसान मुझसे राज़ी रहता है। मेरी ज़िंदगी में हर इंसान मुझसे राज़ी है। मैं बहुत ही खुशनसीब रूह हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझ पे ख़ास नज़रे करम कर रखी है। मैं अपने अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने रिश्तों में मुकाबले नहीं करती। मैं अपने रिश्तों में मोहब्बत बांटती हूँ, दरगुजर करती हूँ, आसानियाँ बांटती हूँ। कोई अगर डिसरिस्पेक्टफुल हो भी जाए तो मैं उनको इज्जत देती हूँ, मैं खुशियाँ बांटती हूँ। मैं मुकाबला करने की बजाय हार मान लेती हूँ। मैं अपने रिश्तों को जिता देती हूँ। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में हार्मनी
आ जाती है. माई रिलेशनशिप्स आर इन हार्मनी. आई एम थैंकफुल टू ऑल माई रिलेशनशिप्स. आई एम थैंकफुल टू माई अल्लाह. I am so grateful to live such harmonized, beautiful, content life. आप भी अपनी जिंदगी में हार मानिए और रिश्तों में हार्मनी लाइए.